हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा के पूरे 8 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो हम जानेंगे इस मूवी ने अपने 8 दिनों में कितने करोड़ों की नोट छापे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म योद्धा का रिलीज से पहले काफी बज था, लेकिन ये फिल्म बड़े पटे पर दस्तक देने के बाद कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। फिल्म रिलीज के पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार से कलेक्शन कर रही है। वहीं योद्धा की कमाई की राह में अजय देवगन की शैतान भी रोड़ा बनी हुई है। चलिए आज जानते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म ने रिलीज के 8वें दिन कितनी कमाई की है। प्लेन हाईजैक पर बेस योद्धा का निर्देशन पुष्कर ओझा और सागर आम्ब्रे ने किया है। इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स रिस्पॉन्स मिला है। इस फिल्म का ओपनिंग वीकेंड तो ठीक ठाक रहा, लेकिन वीकडेज में इसकी कमाई में उतार चढ़ाव बना रहा। योद्धा की कलेक्शन की बात करें तो इसने 4 करोड़ से खाता खोला था। इसके बाद से फिल्म ने दूसरे दिन 5.75 करोड़ रुपए कमाए। तीसरे दिन फिल्म ने 7 करोड़ का कलेक्शन किया। वही योद्धा ने चौथे दिन 2.15 करोड़ रुपए कमाए। पांचवें दिन 2.10 करोड़ रुपए कमाए। छठे दिन 1.90 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ फिल्म का एक हफ्ते का कुल कलेक्शन 25.25 करोड़ रुपए रहा था। वही अब ये फिल्म रिलीज के दूसरे हफ्ते में पहुंच चुके हैं। इसके बाद सेकंड फ्राइडे यानी कि रिलीज के 8वें दिन की कमाई के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक योद्धा ने 8वें दिन यानी कि दूसरे फ्राइडे को 1 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसी के साथ योद्धा का 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 26.25 करोड़ रुपए हो चुका है। योद्धा ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। वही इस फिल्म को सिनेमाघर में अजय देवगन की शैतान से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। शैतान के आगे योद्धा टिक नहीं पाई है और रिलीज के पहले दिन से सिनेमाघर में संघर्ष कर रही है। वहीं अब तो योद्धा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पैकअप होता नजर आ रहा है। ऐसे में इसके 50 करोड़ का आंकड़ा पार करना बेहद ही मुश्किल लग रहा है। तो गाइस, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही जरूरी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।